नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की जो वीडियो है वो है लेग्स से रिलेटेड। बहुत से लोगों को ये कंप्लेंट रहती है कि उनकी लेग्स बहुत हैवी है लेकिन उनको घुटनों में भी दर्द है, तो किस तरीके से वो ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे उनके घुटनों में तो दर्द ना हो लेकिन उनकी थाइस भी कम हो जाए। तो आज मैं सारी थाइस की एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ बिना घुटनों में दर्द हुए। अगर आप में से किसी को भी घुटनों में प्रॉब्लम है तो आप ये एक्सरसाइज करें जिससे आपको घुटनों पे लोड नहीं पड़ेगा। ज्यादा टाइम लिए बिना हम शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करिएगा। दूसरी चीज, अगर आपको और अच्छी लगे तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करेगा ताकि हम इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचा सके। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे 5 4 3 2 1। आपने एक पैर से जीरो बनाना है और जितना हो सके धीमी गति से आपने 20 बार इसको जीरो बनाना है और 20 बार उसी पैर को रिवर्स करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 सेकंड का रेस्ट दे करके। ज्यादा रेस्ट नहीं देना, अगर कोशिश करना कि आप बिना रेस्ट दिए ही उसको रिवर्स कर लें। मेरी इस वक्त 4 हो गया है, मैं सिर्फ 10 करूंगा। 5 6 एकदम सीधी है, पंजा खींचा हुआ। 7 8 9 10 अब हम रिवर्स करेंगे। 1 पैर नीचे नहीं रखा मैंने, 2 आप भी मत रखिएगा, 3 4 5 मेरी लेग्स में पेन हो रहा है, 6 7 8 9 10। इससे आपके घुटनों पे बिल्कुल स्ट्रेन नहीं पड़ेगा और जिनको घुटनों में दर्द है वो जरूर 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 एक्सरसाइज करें ताकि आपकी लेग्स जो है वो स्ट्रांग हो सके। अभी मेरे को फील हो रहा है कि मेरी क्वाड्रिसेप्स यानी कि आउटर थाई मसल में पेन हल्का फील हो रहा है, जो कि मेरी लेग्स के लिए काफी अच्छा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी लेग्स में दर्द हो रहा है मुझे रुक जाना चाहिए, कभी नहीं। आपका जब तक मसल फेलियर ना हो, मसल फटीक ना हो, तब तक आप कंटिन्यूअसली करते रहिए, आप अपने आप रुक जाएंगे, निश्चिंत रहिए। अब करते हैं दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज जो है वो है आपकी इनर थाइस के लिए। आपने सीधा नीचे लेटना है, आपने पैर ऊपर करे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, लेग्स ओपन एंड क्लोज, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। आप अपने हाथों को लोअर बैक पे सपोर्ट भी दे सकते हैं, अप एंड डाउन, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज। ये भी आपने लगभग कोशिश करना कि मैक्सिमम के 3 सेट। अगर आप बिल्कुल बिगनिंग कर रहे हो तो आप 20 के 5 सेट कर सकते हो, यानी 100 तो करने ही करने हैं, ठीक है। और जो लेग मूवमेंट आपको बताई थी वह भी आप 20 के 3 सेट करेंगे, ठीक है। अब है पिछली थाई यानी कि हैमस्ट्रिंग की बारी। हम पहले पूरा सीधे लेट जाएंगे नीचे। सीधा लेटने के बाद आपने अपने राइट पैर को इस तरीके से रखना है, ओके। तो शुरू करते हैं। आपने एक पैर को यूं रखा, रखने के बाद आपने अपनी बॉडी को इस पैर के साथ लिफ्ट करना है, हाथों को साइड में रखना है, गहरा लंबा सांस लेना है। 1 मेरे को पूरा फील आ रहा है मेरी हैमस्ट्रिंग पे, 2 3 इस वक्त मेरे को पूरा फील आ रहा है, आप साथ के साथ करके देख सकते हैं, 4 ये देख रहे हो मेरी बॉडी एकदम स्ट्रेट है, 5 ये हैमस्ट्रिंग की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, 6 बिना वेट के बिना जिम के कर सकते हो आप, 7 8 9 10 इसको हम सेल्फ वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। अब करते हैं बात ग्लूट्स मसल की। ग्लूट्स यानी कि हिप मसल। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके हिप जो हैं वो एकदम स्ट्रेट हैं, शेप में नहीं है। तो ये गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए एक्सरसाइज है कि ग्लूट्स मसल जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी आपकी लोअर बैक मसल होगी, क्योंकि ये क्रॉस मसल होती है जो कि आपकी बॉडी के अंदर इस तरीके से जाती है, लोअर बैक की मसल इस तरीके से और इस तरीके से जो कि नीचे तक जाती है। शुरू करते हैं, आपने गहरा लंबा सांस लेना है। शुरू करेंगे आप, 1 2 3 4 5 अभी कोई फील नहीं आ रहा, 7 8 9 10 अब फील आना शुरू हो गया, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अभी एक्सरसाइज खत्म नहीं हुई। अब आपने क्या करना है, 20 टाइम रेपिटेशन, 1 पूरा ऊपर तक मसल मूवमेंट पूरी देनी है, 2 होल्ड। अब यहां पे आप 10 सेकंड के लिए होल्ड करोगे, 1
दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, अप एंड डाउन दस बार, एक दो तीन, पूरा मसल मूवमेंट, चार पूरा ऊपर, पांच छ सात के साथ करिए, आठ नौ दस। ओके दोस्तों, तो ये थी हमारी लेग मसल्स की, यानी कि हमारी बेल्ट से नीचे की मसल्स की एक्सरसाइज, जिसके अंदर हमने अपनी लेग्स की चारों पांचों मसल कंप्लीट करी हैं। ओके दोस्तों, तो खत्म करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों को जिनको नी में दर्द है वह ये एक्सरसाइज कर सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।